नमस्कार दोस्तों, एस के डोरमेट हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तीन तरह के डोरमेट्स बनाना सीखेंगे। सर्दियों का मौसम ख़त्म हो गया है और हमारे घरों में ऐसे ख़राब फटे पुराने स्वेटर निकल आते हैं जिनका क्या करें ये समझ नहीं आता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में तीन तरह के डोरमेट्स बनाना सीखेंगे इन स्वेटरों से। ये देखिए, ये फटे पुराने स्वेटर हैं जिन्हें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, इनका हम डोरमेट्स बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे बचे हुए स्वेटर के भाग हैं। सबसे पहले हम इन्हीं का डोरमेट बनाएंगे। हम स्वेटर का कोई भी हिस्सा फेंकेंगे नहीं। इस तरह से हम पतली पतली पट्टियों में काट लेंगे। इसका कोई भी भाग हमें फेंकना नहीं है। ये देखिए, जैसे हम काट रहे हैं आप भी काट लीजिए। आपके पास जो भी स्वेटर है, चाहे हाथ का बुना हुआ या फिर ऐसे मशीन से बुना हुआ ख़रीदा हुआ स्वेटर हो, हम सभी स्वेटरों से बना सकते हैं। हम इसका कोई भी भाग नहीं फेंकेंगे। जैसे ये मोटा भाग है, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, काट के निकालना नहीं है। इस तरह से पतली पट्टियों में काट लेंगे। जो भी हमारे पास फटा पुराना जो भी स्वेटर है जिसका हम अब अगले सीजन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन स्वेटरों को ले सकते हैं। ये देखिए, काटने के बाद इस तरह से हम इनकी चोटी बनाएंगे, जो बड़ी इजली ही बड़ी आसानी से फटाफट बन जाते हैं और ये खुलते भी नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथ से बुना हुआ स्वेटर है जिसे आप काटेंगे तो खुलने लगेंगे। ये देखिए, हमने काट के चोटी बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, हमने सारे स्वेटर को, हमने तीन कलर का स्वेटर लिया है, सारे स्वेटर को हम काट करके इस तरह से चोटी बना लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से फटाफट बन जाता है। लास्ट में हमारा दो कलर ख़त्म हो गया था तो हम एक ही कलर के स्वेटर की पट्टियाँ बना रहे हैं। इस तरह से हम चोटी बना लेंगे और इस तरह से ऐसे सेट करते हुए हम अपना पायदान बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से, ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही सेट करते हुए हम इसको सिलेंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, आपको ये पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला है, बहुत सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार होने वाला है। हमने सिलाई के लिए ऊन का इस्तेमाल किया है, धागा नहीं लिया है। इस तरह से, ये देखिए, धागा हमने इसलिए नहीं लिया है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा पायदान बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और गुदगुदा है, मोटा गद्देदार बन रहा है। इस तरह से सेट करते हुए हम अपनी पूरी डोरमेट्स की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है हमारा ये डोरमेट्स। हमारे पुराने स्वेटरों का बहुत ही अच्छा उपयोग है। ये देखिए, हम आपको पूरा सिलकर फिर दिखाते हैं आपको कि ये कैसा बना है। ये देखिए, हम धागा इसलिए नहीं लेते हैं, नहीं ली हूँ, क्योंकि धागा से सिलाई करने के बाद जब हम अपने डोरमेट्स को एक दो बार धोते हैं तो धागा टूट जाता है और हमारे डोरमेट्स का डिज़ाइन आकार बिगड़ जाता है, वो बिखर जाता है। इसलिए हम धागे की जगह ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो धागे से भी सिलाई कर सकती हैं। हमने एक सिरे पे क्लचर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर क्लचर नहीं लगाएंगे तो खुल जाएगा। अगर आपको क्लचर नहीं लगाना है तो आप पहले ही उसे सुई धागे से उसे सेट कर लें। ये देखिए, हमारा डोरमेट्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम धागे को काट कर निकाल लेंगे इस तरह से, यहाँ गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और अब हम इसको काट के हटा देंगे सुई और ऊन को। ये देखिए, ये हमारा सिलाई
जिस तरफ लगाया उस तरफ का भाग है, और ये देखिए दूसरी तरफ है, कितना खूबसूरत सा डोरमेट्स बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा डोरमेट्स बनकर तैयार हो गया है। आप इसे कहीं भी लगाएं, बाथरूम के सामने या फिर अपने दरवाजे के पास, ये बहुत ही काम का है। ये देखिए दोनों तरफ से हम दिखा दे रहे हैं इस तरह से। अगर आपके पास और स्वेटर है तो उसका बड़ा सा भी बना सकते हैं। और ये देखिए अब हम अपना दूसरा डोरमेट्स बनाना बताएंगे। एक डोरमेट्स हमने बना लिया है, अब ये दूसरा बनाएंगे। ये देखिए हमने स्वेटर के आस्तीन के पास से हमको काट लेना है, इसके बटन काटकर हमें नहीं निकालना है। इस तरह से हम इसको आस्तीन के पास से काट लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हमने काट लिया है, जिस तरफ खुला हुआ भाग है उस तरफ भी, और जिस तरफ से हमने काटा है, कट लगाया है उस तरफ से भी, दोनों तरफ हम सिल लेंगे। और साइड में जो हमारा जेब का पार्ट भाग है खुला हुआ, उसकी भी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से हम अपने स्वेटर के चारों तरफ जितने भी खुले भाग हैं उसको सिल देंगे। ये देखिए आप चाहें तो ऐसे हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, सबके पास सिलाई मशीन नहीं होता तो हाथ से भी सिल सकते हैं इस तरह से। चलिए हम आपको सिलाई मशीन से भी सिलकर दिखा देते हैं। सिलाई मशीन से भी ये बड़ी आसानी से सिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी इसमें सिलाई लगाने में। अपने चारों तरफ इसको हम सिल देंगे ताकि किसी तरफ ये खुला हुआ भाग ना रहे। ये देखिए बड़ी आसानी से सिल गया है। इसी तरह से सिलते हुए हम अपने डोरमेट्स के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, और चारों कॉर्नर पर भी हम तिरछे तिरछे सिलाई लगाएंगे। एक एक इंच को छोड़ते हुए चारों कॉर्नर पे हमें लगा लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से एक इंच छोड़कर हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है चारों कॉर्नर पर। और अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, कॉर्नर को सेट करते हुए सीधा कर लेना है। और इसमें अपने और इसमें जो भी हमारे पास फटे पुराने कपड़े या फिर साड़ी दुपट्टा जो भी है, जिसे आप चाहें तो काट काट कर छोटे टुकड़ों में करके या फिर ऐसे ही भर सकते हैं। ये देखिए हमने पूरी तरह से इसको भर लिया है। और अब ये देखिए हमारा ये दूसरा तैयार हो चुका है। इसे आप चाहे तकिए के रूप में इस्तेमाल करें या फिर फ्लोर मैट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरा डोरमेट बनाएंगे, जिसे हम चौकोर में अपने स्वेटर को काट लिया है। ये देखिए जिस तरह जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने एक जूट का बोरी लिया है और स्वेटर को चौकोर में काट लिया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं, हमने इतना बड़ा बड़ा काटा है। इस तरह से काट कर हम इसको सेट करेंगे और इस सारे पट्टियों को बोरे में सेट कर सिलाई कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने लगाया है, इस तरह से आप भी इसकी सिलाई कर दें। और इसके बाद हम इसके चारों तरफ पट्टियां लगाएंगे। आप चाहें तो कॉटन का या लैगी सूट सलवार जो भी आपके पास है उसकी पट्टियां लगा सकते हैं। हमने साड़ी की पट्टी लगाई है। ये देखिए ये हमारा तीसरा डोरमेट्स भी बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। आइए अब हम आपको तीनों ही डोरमेट्स एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए ये पहला डोरमेट्स है। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताएं कि इनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए ये दूसरा है और ये तीसरा है। आप हमारे चैनल पर आए हैं